फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन इन वाइट ग्रेवी। हो सकता है ये थोड़ा सा सफ़ेद मांस से मिलता जुलता हो, बट ये मटन नहीं है, ये चिकन है। और इसमें मैं अपने हिसाब से मसाले और बाकी सब चीज़ें मिलाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं हम चिकन इन वाइट ग्रेवी। चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए अनियंस। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन को रफली चॉप किया हुआ है। यह है 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट। ये आप चाहे तो फ्रेश वाले कोकोनट को भी ग्रेट करके कर सकते हैं, चाहे तो वो जो मार्केट में ड्राई कोकोनट ग्रेटेड मिलते हैं वो भी कर सकते हैं। यह है 2.5 टीस्पून ऑफ वाइट सेसमे सीड, सफ़ेद तिल। ये है काजू, मैंने कुछ काजू 3-4 घंटे से भिगो के रखे थे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये है कुछ 400-500 ग्राम का चिकन पीसेस, जिसको हमें कम से कम 3-4 घंटे मैंने इसे मैरिनेट करके रखे हैं। इससे कम कभी कर सकते हैं, मतलब आधा घंटा मिनिमम मैरिनेट कीजिएगा। इसमें मैंने नमक और 1/2 कप दही के साथ मैंने इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब बनाने से पहले एटलीस्ट 1/2 घंटा 1 घंटा पहले आप इसे फ्रिज से निकाल लीजिएगा। और हमें चाहिए सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल ही थोड़ा सा डालना है और इसे गरम होने देंगे। 1 चम्मच करीब हमने डाला है इसमें तेल। अब हम एक एक करके जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर चिकन, वो हम इसमें डालेंगे। तेल गरम हो गया है, ये हम हाई पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने अनियंस चॉप किए थे वो डालेंगे पहले। ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बस कसैलापन और स्मेल हटाना है हमें इनका। भूनेंगे, ये डिश मैं पहली बार बना रही हूँ, आई होप अच्छा बने। हल्का सा ब्राउनिश वो आने लगा, फैटी इसका होने लगा है, सिम कर देती हूँ मैं। अब इसमें एक एक करके सामान डालते हैं। पहले डाल देती हूँ मैं ये तिल, फिर मैं डालती हूँ ये काजू, पानी निकाल के काजू डालेंगे इसमें। डाल दूंगी नमक, नमक जितना हमें ग्रेवी के लिए चाहिए उतना ही डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे चिकन में भी नमक डाला हुआ था, तो बहुत थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, हल्का सा। ज़्यादा डालेंगे तो वो काला काला हो जाएगा, तो हमारा व्हाइटनेस चला जाएगा। देखिए ये हमारा रोस्ट हो गया है। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे कोकोनट। कोकोनट अपना ऑयल छोड़ता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में डालेंगे और ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। ये
प्याज हमने इनिशियली खाली हाई फ्लेम में रखा था और बाकी सारा के मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं। ये हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मैं अपना प्यूरे बना लिया है, ये देखिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना चिकन। ये थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर दूँ मैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चिकन पीसेस और एक, हाँ मैं सॉरी, मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में ना गार्लिक पेस्ट बताना भूल गई थी, तो हमें कम से कम 1 टीस्पून के अराउंड गार्लिक पेस्ट भी चाहिए होगा, वो हम बाद में डालेंगे, मैं बता दूँगी। और अभी हम सबसे पहले यहाँ पे इसी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया, तेल गर्म कर लिया, सिम कर लेंगे। पहले हम ये चिकन पीसेस को, सिर्फ चिकन के पीसेस को, ये मैरिनेशन को नहीं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये मैरिनेशन हम बाद में यूज करेंगे, ये चिकन पीसेस को हम पहले फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, दोनों साइड से थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ क्योंकि एकदम डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई, हल्का सा ब्रश ब्राउन चटक लाने के लिए। ये देखिए हमने हल्का सा तेल में इसे फ्राई करके निकाल लिया है, एकदम हमने इसे ब्राउन भी नहीं करा है, हल्का सा बस कलर चेंज कर दिया है। अब इसी तेल में हम सबसे पहले अपना 1 चम्मच गार्लिक तेल डाल देंगे। जब ये गार्लिक हल्का सा फ्राई हो जाए, अब हम उसमें जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज वगैरह का, वो डाल देंगे। अब इसे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। सिम पे मीडियम पे ही कर लीजिएगा, मीडियम से लो के बीच में, ताकि मेरा जले ना। जब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा तो हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो दही, वो वाला हम मैरिनेशन भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसको तब तक हम थोड़ा फ्राई होने देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है, तो थोड़ा सा और करना है, तो उससे पहले हम ये दही वाला ऐड कर देंगे मैरिनेशन के साथ जो हमने ऐड किया था, कुछ वेस्ट नहीं जाना देंगे। अब हम इसमें ये चिकन के पीसेस भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे
अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोट हो जाए बाकी सारा। ये जो रस है ना इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे, जब तक ये चिकन ऑयल ना छोड़ने लगे। इसको अब हम कर लेंगे कवर। हमने कवर कर लिया है, अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे जब तक कि और मसाले और चिकन एक साथ अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा चिकन जो है अच्छे से भून गया है और ये साइड से बीच में से हर जगह से ऑयल छोड़ने लगा है। मैं आपको थोड़ा पास आके दिखाती हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे पानी कि चिकन बॉईल हो जाए, क्योंकि ये फ्राई करने में मैरिनेशन में चिकन है जल्दी उबल ही जाता है। सेम करेंगे और हम इसको अच्छे, आप इसमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से ग्रेवी डालेंगे। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो ग्रेवी ज़्यादा होगा, रोटी पराठे के साथ खाना है तो ग्रेवी कम होगा। वैसे ये रोटी पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो हम इसमें डाल देंगे पानी उस हिसाब से। और इसे अब हम ढक देंगे जब तक ये चिकन बॉइल ना हो जाए। ये हमारा चिकन रेडी हो गया है, मैंने चेक कर लिया था ये बॉईल हो गया है। बॉईल होने के बाद इसे 10-15 मिनट मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसके ग्रेवी जो है अच्छे तरह से सिप इन हो जाए इसमें। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा चिकन इन वाइट ग्रेवी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।